दोस्तों, जब भी बात आती है कि हम अपने YouTube चैनल को एक जीमेल से दूसरे जीमेल में ट्रांसफ़र करने की, तो उस समय पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक ब्रांड अकाउंट की। क्योंकि जब तक अपने YouTube चैनल को एक ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक हम अपने YouTube चैनल को किसी दूसरे जीमेल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्रांड अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से ब्रांड अकाउंट क्रिएट करके आप अपने YouTube चैनल को किसी अदर जीमेल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ब्रांड अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, जिससे वो अपने YouTube चैनल को किसी दूसरे जीमेल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। दिन आपको ब्राउज़र पर आने के बाद youtube.com सर्च कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर youtube.com सर्च कर लेते हैं। YouTube सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर youtube.com YouTube के साइट पर चले जाना है, क्योंकि हमको यहाँ पर .com लगाना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हम इसको हम डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि सब काम डेस्कटॉप मोड में ही होगा। हम इसको डेस्कटॉप मोड में खोल लेते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, जिस कारण से वेबसाइट को लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। देन हमारा यूट्यूब डेस्कटॉप मोड में इनेबल हो चुका है। हम यूट्यूब के लोगो पर इस पर क्लिक कर देते हैं, सॉरी प्रोफाइल वाले सेक्शन पर। तो इस पर हमको योर चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे योर चैनल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आ गया है, तो हमको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर गेट द ऐप साथी कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो सिंपली आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। अगर आप गेट ऐप पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल होगा तो आप एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करना है। हमारे सामने YouTube स्टूडियो, यहाँ पर हमारा YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही में नीचे एक सेटिंग का छोटा सा ऑप्शन हमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो हमको सेटिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक सेटिंग का नया पॉप यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पर चैनल, एक छोटा सा चैनल का ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली हमको चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग, फीचर एलिजिबिलिटी करके तीन ऑप्शन यहाँ पर खुल कर आ गए हैं। हमको एडवांस सेटिंग पर चले जाना है। एडवांस सेटिंग पर आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन खुल कर आ गए हैं, तो स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है। अदर सेटिंग्स में हमें मैनेज यूट्यूब अकाउंट, साथ ही रिमूव यूट्यूब कॉन्टेंट हमें दिख रहा है, तो हमको मैनेज यूट्यूब अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम मैनेज यूट्यूब अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। हमारे सामने YouTube का एक नया टैब सामने ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल कर आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चैनल स्टेटस एंड फीचर, ऐड और मैनेज चैनल, साथ ही हमें यहाँ पर ऐड और मैनेज चैनल का ऑप्शन हो रहा है। सिंपली हमको ऐड और मैनेज चैनल पर क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपली आपको क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट चैनल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। चैनल नेम का ऑप्शन आ गया, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक चैनल नेम सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक मेन चैनल, साथ ही आपने जो क्रिएट किया हुआ होगा वो चैनल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली हमारे चैनल, हमारा यह जो एक फर्स्ट स्टेप था पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली हमको एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे एडवांस सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं तो अगर आपका यूट्यूब चैनल ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट, सिंपली आपको मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसे इस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो हमको यह बोल रहा है कि आपके जो जीमेल, हमको यहाँ पर कुछ स्टेप बता रहा है कि इस स्टेप के जरिए आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिलेगा। तो हम इसको मोर बेस्ट टू, कोई दूसरा अगर ऑप्शन होगा तो हम कोई दूसरे ऑप्शन के जरिए वेरीफाई करते हैं, अदरवाइज नहीं है ऑप्शन, तो हम उस कोड को भी आपको देखना बता रहे हैं। तो सिंपली इसको हमें भी कट करते हैं यहाँ से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको जीमेल वाले एप्लीकेशन पर चले जाना है। उसी जीमेल को यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, जो कि जिस जीमेल का आप कोड लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उस जीमेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ढेर सारी सेटिंग्स खुल कर आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर चले जाना है। हम सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर मेरे एक ऑप्शन देखने को मिल गया है सिक्योरिटी कोड, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न मांगा जाएगा। उस पैटर्न को डाल देते हैं अपने स्क्रीन वाला पैटर्न जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है। तो हमें यहाँ पर दो सिक्योरिटी कोड देखने को मिल जाते हैं। तो इस सिक्योरिटी कोड को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह हर बार अलग अलग सिक्योरिटी कोड होते हैं, केवल वन टाइम यूज के लिए होते हैं। तो आप किसी इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन कोड को फिल कर देता हूँ, सिंपली सेकंड वाले को मैं फिल करूँगा 9006। आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन खुल कर आ गया है। जैसा कि हमारे सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पर खुल कर आ गया है, काफ़ी सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना क्या है। तो अगर आपने आपको रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे हम रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे द फॉलोइंग विल बी परमानेंटली डिलीटेड, और मतलब जो जो हमारे यूट्यूब कॉन्टेंट है कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं होंगे। तो इसको हमको आई अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर हमारा जो ये है यूट्यूब चैनल है डिलीट हो जाएगा और हमारा जो है मेन यूट्यूब चैनल है वो एक ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको मूव चैनल पर क्लिक कर देते हैं। ये दिखा रहा है कि 10 मिनट में यह प्रोसेस सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 10 मिनट का। अपने YouTube चैनल को लॉगिन करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वेलकम टू YouTube स्टूडियो में एक न्यू YouTube स्टूडियो मिल चुका है। तो इसको हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। साथ ही जो हमारा YouTube चैनल है सक्सेसफुली ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बाकी हमारे जो सब्सक्राइबर वीडियोज लाइक कमेंट है सब सेम रहेंगे, लेकिन ये हमारा जो YouTube चैनल है एक ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको चैनल वाले YouTube चैनल ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हुआ या फिर नहीं इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं थोड़ा स्लो है इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद सिंपली आपको परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंटरनेट भी 90% यूज हो गया है, कोई बात नहीं, परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मैनेज परमिशन साथ ही मूव परमिशन। क्योंकि अगर आपका एक ब्रांड अकाउंट है तो ही इस तरह का ऑप्शन आएगा मैनेज परमिशन या फिर मूव परमिशन का। अगर आपका एक नॉर्मल अकाउंट रहेगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन अगर आपके यूट्यूब चैनल में ये ऑप्शन आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप एक यूट्यूब चैनल को किसी अदर जीमेल अकाउंट में किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे।